आज दिनांक 2 अक्टूबर को किसानों के हक के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे सभी किसान गरजे और अब अपनी मांगों को लेकर वो गए थे। अध्यक्ष जी, जैसे 2 अक्टूबर को आप गए थे तो वहाँ का प्रोग्राम आपने समाप्त किया, कैसे कैसे वहाँ हुआ? किसानों की जो मांग है, एक तो पूरे देश का कर्जा मुक्त किया जाए पूरे देश के किसान को, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 20 साल से लगातार वहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते आ रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की जो स्मारक स्थल है वहाँ पर। आज हम इस दमनकारी सरकार ने पूरी तरह से हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी आज पूरे देश से वहाँ इकट्ठा होने थे, सबको जगह जगह रोक दिया। उसके बाद भी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब तक उन्हें नहीं छोड़ा तब तक हम सड़क सामने जाम लगाए रखा, और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आला अधिकारियों से बात हुई और उन्होंने जब रिहा करने के बाद उन्होंने कहा हमने अध्यक्ष जी को रिहा कर दिया। उसके बाद हमने धरना समाप्त किया और आगे भी लड़ाई हमारी जारी रहेगी किसानों के लिए। अब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दीपाल जी का आदेश होगा, आगे की जो रणनीति तय होगी उस पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता कार्य करेगी। देश की बेटी मनीषा जिसका एक तरह से पूरी तरह से मतलब शोषण हुआ और इसका जगह देश में हो सकता है, कहाँ तो ये महिला रक्षा और सशक्तिकरण की बात करते हैं और कहाँ हमारी महिलाओं का और हमारी माँ बहू बेटियों का ये हाल हो रहा है। और इसके लिए हम देश में जो सरकार चल रही है वो सरकार बिल्कुल बेकार है, वो किसी की रक्षा नहीं कर सकती, ना वो किसान की रक्षा कर सके ना वो नारी की रक्षा कर सकती, सिर्फ एक जुमलेबाजों की सरकार है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई है, जो हमारी मांग थी वो पूरी कर दी गई है, और मांग तो खैर पूरी नहीं कर दी गई, अब हम रणनीति बनाएंगे आंदोलन करने की पड़ी। हमारी मांग नहीं पूरी हुई ना कर रही सरकार, आगे की रणनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी तय करेंगे, और उसी रणनीति में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता पूरे देश में भी अगर जाम लगाना पड़ा तो पूरे देश में भी जाम लगाने के लिए तैयार है। यहाँ पर आए एसएसपी के कहने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बात होने के बाद अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अम्बावता जी का आदेश है कि आप अब शासन प्रशासन की बात मानते हुए धरने से उठ जाओ। उनके कहने पर अब यहाँ से हम उठे। चौधरी ऋषिपाल अम्बावती जी, जय जवान, जय किसान।